लेकिन अभी मैं रोटी बनाने के लिए ट्राई करता हूँ, मुझे रोटी बनाने के लिए आता है कि नहीं आता है, बाद में हम आपको बताएंगे और हमको आप कमेंट करके बताओ कि बनाने के लिए आता है कि ऐसा बनाने का तरीका वही है कि सबर करो, जब तक रोटी आ जाएगी हम खाने को शुरू करेंगे, लोचन और हम मनीषा सब खाएंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप दोस्तों स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल में। और दोस्तों मैं आज संडे के दिन कुछ काम पे गया था, अभी हो गया टाइम 1:30 बज गए और दोस्तों अभी आया, कुछ काम नहीं था इसलिए छोटा सा क्लिप बनाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। और देखो अभी लोचन मेरे सामने बैठा है मेरे पास, और ये सुशांत है और वो भी टीवी का रिमोट लेके बैठ गया है। ये देखो ये टीवी है, वो टीवी का रिमोट भी उनको टीवी लग रहा है, बट अभी हाथ में पकड़ के वो बिना मैं मांग रहा हूँ तो वो बार बार वो रोने को शुरू कर रहा है, इसके वजह से मैं उसके हाथ में देके टूट गया। और मैं अभी यहाँ पे क्यों आके छोटा क्लिप बना रहा हूँ इसके वजह से आपको बोलना चाहता हूँ। और दोस्तों अभी देखो हमारे घर में ज्वारी की रोटी होती है, ज्वारी की रोटी कैसी होती है वो सबको दिखाता हूँ, और देखो और कैसे बनाता है, कैसे क्यों बनती है, और हम ज्वारी की रोटी खाते हैं घर में, और इसकी वजह से मैं अभी आपको यहाँ पे लाया हूँ। और चलो अभी, और दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो। चलो अभी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और आगे क्या होता है, कैसे निकलता है, रोटी कैसी बनती है वो सभी दिखाता हूँ। इधर दीदी को अभी बुलाएंगे अंदर। हाँ देखो मनीषा यहाँ पे रोटी बना रही है, और उसके साथ उनकी बड़ी बहन संगीता भी है, और उन दोनों मिल के आज संडे के दिन रोटी कैसे बना रही है हम दिखाएंगे। चलो ये देखिए, लकड़ी की धुआं आ रहा है, पूरा आँख में घुस रहा है, इस वजह से चश्मा पहन लिया हमने। चलो अभी ये देखो रोटी कैसी बन रही है, ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे लेटता है, उसके ऊपर पानी लगाता है। ऐसे बनता है? नहीं बाबा, ऐसे अच्छे तरीके से पूरा यही है रोटी बनाने का जगह हमारा, और ये रोटी वोटी कोई भी हमारा छोटा किचन, बड़ा किचन तो यही है, छोटा भी किचन यही है, यही से बनाते हैं। अच्छा मैं भी ट्राई करता हूँ रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे रोटी बन रही है, अभी हम तब तक रेस्ट करेंगे नहीं, अभी रोटी बनाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ रोटी, मजा आया। ज़्यादा धुआं आ रहा है, इसके वजह से मैं गॉगल पहन रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं पहनने का आदत नहीं है, फिर भी मैं पहन रहा हूँ। लेकिन अभी मैं रोटी बनाने के लिए ट्राई करता हूँ, मुझे रोटी बनाने के लिए आता है कि नहीं आता है, बाद में हम आपको बताएंगे और हमको आप कमेंट करके बताओ कि बनाने के लिए आता है कि नहीं, बनाने का तरीका वही है कि नहीं वही भी, इसके वजह से मैं चलो अभी रोटी बनाएंगे। कैसे यहाँ से ऐसे पहले हाथ से ऐसे मार के बनाता है ना, मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं बनाती थी, मेरी मम्मी तो हाथ से बना के हमको खिलाया है, लेकिन अभी आज तो ये देखो इस तरह बनाने का आता नहीं है ना, फिर क्या करूँ। ठीक है ऐसे बनने का, ठीक है बहुत अच्छा है ऐसा।
बनाता है उसको देखने का बहुत आसान है, बना के देना है ना वो बहुत कठिनाई है। और मनीषा रोटी बना रही है तो लोजना के साइड में बैठा है, और इन दोनों का ना ये ताल में ताल नहीं रहता है, इतना झगड़ता है दोनों टीवी के वास्ते और हर चीज़ के वास्ते। अगर टीवी या तो कोई चीज़ को बीच में नहीं बोलना है मनीषा उनको लोजन के साथ अपोजिट, और मम्मी डैडी को कंप्लेंट भी नहीं कहना है, वो ऐसा है मस्ती का। अगर कंप्लेंट कहे हर दिन तो माधुरी रोटी बना लेती हैं, लेकिन आज मनीषा ने रोटी बना रही तो मैं इमीडिएटली आया, तभी अरे एक छोटा सा वीडियो क्यों ना करना है, इसी के वजह से मैं कैमरा लेके शुरू कर दिया। और वो देखो कि रोटी बनाने को शुरू कर दिया और लोचन बीच में आके बैठ गया और दोनों भी मिल के रोटी बना रहा है और मस्ती भी कर रहा है, दोनों भी एक ही एक झगड़ता है, एक भी चुप बैठता नहीं। मनीषा को लोचन को मनीषा कह रही है आज संडे है, ट्यूशन चालू है, ट्यूशन पे जाना है, और लोचन आज बहाना क्या बनाया था पता है, सुबह शाम को 4 बजे ट्यूशन है और 4 बजे पहुंच रहा है, 4 बजे होने के बाद उसको पूछता है तो वो बोलता है नहीं आज सुबह 12 बजे था ट्यूशन, तुम भेजा नहीं मुझे, ऐसा बोलता है। इसकी वजह से संडे के दिन सिर्फ वो ट्यूशन को जाना नहीं चाहता, उनकी दीदी स्कूल पे जाए ट्यूशन पे जाए तभी, और वो जाता है तो यही जाना है, ये नहीं गया तो ये गपचुप घर पर बैठने के बाद ऐसा ऐसा बहाना बना के छुट्टा एक से एक छुट्टा हो गया। तो हमारा छोटा मोटा घर है सेट, और इतना भी हाई फाई घर नहीं है, किराए से रहते हैं, बस यही घर से हम वीडियो शूट करते हैं, हर दिन आता है जो भी वीडियो, और यहीं से शुरू करके यहीं से भी बताते हैं आपको। ये देखिए ये हमारे घर के सामने का मेन रास्ता है और यही रास्ते से हम छोटे गाड़ी वगैरह, मेरा गाड़ी ऊपर खड़ा है, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे ये दो गाड़ी अंदर से ले जाते हैं, यही रास्ता है। ये हमारा घर है, यही है हमारा घर, देखा ये देखो लोचन लोटा है लेटा है, देखो सबर करो जब तक रोटी आ जाएगी हम खाने को शुरू करेंगे, लोचन और हम मनीषा सब खाएंगे, और रेडी होके आने के बाद ये देखो माधुरी मनीषा भी आ गया है इधर इधर रोटी बना के, रोटी रेडी होके आ गया है। अभी बहुत गर्मी भी हो रही है, फैन लगाने से थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है। और दोस्तों अभी देखिए हम रोटी खाने के लिए बैठ गए और फ्रेश होके भी आ गया मैंने, और उसके बीच में सभी रेडी करके यहाँ पे रखा है, देखो हम खाने के लिए बैठा है, लोचन खा रहा है वहाँ पे और मनीषा यहाँ बैठी है, माधुरी यहाँ पे है और मैं खा रहा हूँ, रोटियाँ भी शुरू कर रहे हैं। देखिए हमारे प्लेट में सभी रेडी डाल चुका है, यही है। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमने वीडियो बनाए थे, माय फर्स्ट ब्लॉग नहीं हुआ है, अभी टाइम तो 4 बजा है लेकिन ऐसे गुड नाइट बोल दिया बाय मिस्टेकली। हाँ चलो अभी रोटी ट्राई करेंगे, मस्त है एकदम बढ़िया है। ज्वार की रोटी ओरिजिनल रोटी बहुत टेस्ट है, आपको देखो दीवाना हो जाएगा, बहुत दीवाना नहीं होगा, खाते रहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, जो बनाए थे वही भी यहीं पे बनाया था, लेकिन थोड़ा एक 10-15 मिनट सेकंड के लिए वीडियो कुछ गलती की वजह से एडिटिंग की वजह से वो
वॉइस बंद हो गया था, ये दूसरा वीडियो है यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। और अपना वीडियो यहाँ पे ही शुरू बंद कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और बस आज के लिए चलो बाय। Thank you.